हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ साउथ सिटी। एक्चुअली कल मेरी एक फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है, तो वहाँ पे जाना है, तो उसके लिए कुछ बर्थडे गिफ्ट लेना है। इसके लिए अभी मैं जा रही हूँ साउथ सिटी में, देखूँगी वहाँ पे क्या मिलेगा। एक्चुअली लिटिल शॉप है साउथ सिटी में, जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, बच्चों का ड्रेसेस, खिलौना सब कुछ ही मिलता है। तो पहले जा रही हूँ साउथ सिटी में, देखती हूँ क्या क्या और भी क्या क्या है। हम लोग का भी कुछ देखेंगे, ड्रेस मेरा भी अगर कुछ मिलेगा अच्छा सा तो देखूँगी पैंटलून्स में या कहीं और शॉप स्टॉप में। तो चलिए पहले निकलते हैं यहाँ से। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है साउथ सिटी। एक्चुअली हर ओकेशन में ही इसको सजा दिया जाता है। देखिए अंदर में भी कितना सुंदर से सजा हुआ है। अभी तो मैं मॉल के अंदर हूँ। आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी क्या कर रही है मॉल के अंदर। एक्चुअली बहुत सारा गाड़ी का मॉडल्स है यहाँ पे। चलिए पहले गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे गाड़ी क्या कर रही है। व्लॉग करना मतलब करने नहीं दे रहे थे, बाहर से बोले कि व्लॉग नहीं करने देंगे। तो अंदर पे यहाँ पे गाड़ी का कुछ आज डेमो के लिए, तो यहाँ पे सब मॉडल्स रखा हुआ है। तो हम लोग अभी बैठे हैं टाटा नेक्सॉन में, तो नेक्सॉन का भी हम लोग देख रहे हैं फीचर्स क्या है। यहाँ देखिए, ये मेरी फ्रेंड सामने पे बैठ गई है, वो देख रही है क्या क्या है इसका फीचर्स और ये इसको समझा भी रहे हैं। देखिए ये सनरूफ ओपन हुआ था, यहाँ से आपको व्यू दिखाई ऊपर में मॉल का, और अभी सनरूफ क्लोज हो गया फिर से। ये एक्चुअली ये लोग टॉप मॉडल लाए हैं, तो इसमें सनरूफ भी है। अभी नेक्सॉन का सारा फीचर समझ रही है ये। बैठ के भी मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है एंड फीचर्स भी बहुत अच्छा है इसका। स्पेसिफिकेशंस तो आप देख ही सकते हैं, ऑनलाइन नेट पे भी मिल जाएगा। गाड़ी का मॉडल देखना हो गया है, अभी पहले जिस काम के लिए है वो करते हैं। तो यहाँ पे देख रही हो बच्चों का ड्रेस, क्योंकि मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे के लिए देना है, तो थोड़ा ड्रेस देख रही है। मैं लिटिल शॉप में हूँ, अभी देख रही हूँ क्या कलेक्शन है यहाँ पे। सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। लिटिल शॉप में वैसे अच्छा कुछ कलेक्शन दिखा नहीं। अभी आ गई हूँ वैसे पैंटलून्स, तो देखती हूँ यहाँ पे अगर बच्चों का क्या मिलेगा। बहुत सारा ड्रेसेस तो देख रही हूँ बच्चों का, अभी तक मुझे वैसा कुछ पसंद नहीं आ रहा है। मतलब कि क्या दूँ, थोड़ा इसलिए देख रही हूँ फ्रॉक की डंगरी या फिर जीन्स टॉप देख रही हूँ एक एक करके। एक्चुअली मुझे ये वाला पसंद आया है, एक फ्रॉक है सिंपल सा और इसके साथ एक पैंट भी है। फाइनली मैं ड्रेस ले ली हूँ। और एक मैं ऑनलाइन में देखी थी एक बेबी काउच, तो वो वाला भी मैं उसको दूंगी, वो ऑनलाइन से ऑर्डर कर दूंगी। अभी देखते हैं और क्या कलेक्शन है। देखिए यहाँ पे होम डेकर का भी बहुत सारा अच्छा अच्छा कलेक्शन है, मतलब शोपीस, कैंडल स्टैंड, बहुत कुछ है, फ्लावर्स रखने के लिए बहुत सारा है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये होम डेकोर का आइटम्स। थोड़ा खुद के लिए भी यहाँ पे देख ले रहे हैं कि क्या क्या कलेक्शन है, कुछ अपने लिए भी उठा ली हूँ। चलते हैं अभी ट्रायल रूम। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अभी वैसे ली नहीं, दोनों ही ड्रेस बहुत पसंद आया था। अभी देख रहे हो दूसरा एक्सेसरीज क्या है, बट अभी कुछ ड्रेस नहीं लेना है, पूजा के लिए ऑलरेडी शॉपिंग की थी। तो गाइस मेरा आज का शॉपिंग हो गया है यहाँ पे, जो मैं लेने के लिए आई थी। मेरे फ्रेंड की बेटी की बर्थडे है, तो एक मुझे ड्रेस यहाँ मिल गया है। वैसे लिटिल शॉप में नहीं मिला था, तो अभी मैं पैंटलून से ली थी ड्रेस, और पैंटलून में अपने लिए भी कुछ ड्रेस मैं ट्रायल की हूँ, जो कि आपको इस वीडियो में तो आप देख ही चुके हैं। अभी बस 9:30 बज रहा है, अभी
क्लोज भी हो रहा है, देखिए इसका शटर हाफ बंद हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि घर मेरा पास में ही है यहाँ से। तो चलिए फिर बाहर जाके मिलते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की गाइस, तो अभी साउसिर से निकल चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ घर। गाड़ी यहीं पे पार्किंग है किया हुआ है, क्योंकि आज बेसमेंट में कोई भी पार्किंग नहीं मिला, ना ही रूफटॉप में पार्किंग मिला। इतना भीड़ था, संडे है तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। अभी गाड़ी के पास ही हूँ, तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी एक्चुअली बहुत सारे लोग पीछे से जा रहे थे, तो थोड़ा मुझे इधर उधर देखना पड़ रहा था इसलिए। और ठीक है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।